राहुल गांधी इस बात के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं कि हर वक्त हर मुद्दे पर वे कुछ ऐसा बोलते हैं कि उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। आजकल राहुल गांधी कोरोना को लेकर अपने ट्वीट की वजह से मुश्किल में फंसे हैं, लेकिन इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और ट्विटर पर उनका बेसुरा राग बजता रहता है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए त्वरित आक्रामक कदम उठाने होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी सरकार निर्णायक ढंग से काम करने में सक्षम है और उसकी इस अक्षमता की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने राहुल गांधी के ट्वीट में जवाब में लिखा कि पूरे देश में बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है, एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है, हर जगह क्वारंटाइन सेंटर्स खोले गए हैं, सरकार पहले ही कोरोना के खिलाफ आक्रामक एक्शन ले रही है। कृपया इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्टून नेटवर्क छोड़कर न्यूज चैनल पर जाएं। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। रेखा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्हें भारत में कोरोना रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास नहीं दिख रहे हैं। रेखा शर्मा ने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लगता है कि भारत पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा। अपने स्वयं के सहयोगियों से पूछें जो जानते हैं कि भारत सरकार कोरोना वायरस को नियंत्रित करने की दिशा में कितना काम कर रही है। कोरोना को रोकने के लिए भारत में किए जा रहे प्रयासों की कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और आनंद शर्मा ने खुलकर सराहना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए विभिन्न शहरों में सब कुछ बंद किया जाए, दूसरे सख्त कदम उठाए जाएं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि कई नगरों और शहरों में अब पूरी तरह बंद किए जाने की घोषणा का समय है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। उनके मुताबिक अब ऐसे कड़े कदम उठाने का समय है जो भले ही पीड़ादायक हों लेकिन दुखी रहने से बेहतर है सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा कांग्रेस के नेता कार्ति चिदम्बरम ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाया और कहा कि देश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने सराहनीय प्रयास किए हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी को इस बाबत सरकार का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने सरकार को सुझाव दिए कि विदेश से आने वाले सभी नागरिकों को सरकारी तंत्र द्वारा पृथक रखे जाने के बजाय उन्हें स्वतः ही अलग रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।